राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई कानून पास नहीं हो सकता। आज जब देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे तो ये जानना भी जरूरी है कि उनकी सैलरी कितनी होती है, उन्हें सुविधाएं क्या मिलती है और उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। सैलरी और सुविधाएं क्या क्या। 2018 तक राष्ट्रपति को हर महीने 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन 2018 में सैलरी को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, बिजली समेत कई सारे भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को आने जाने के लिए मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति के पास स्पेशल गार्ड होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडी गार्ड कहा जाता है। इनकी संख्या 86 होती है। जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें सैलरी का आधा यानी 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलता है। इसके साथ ही एक बंगला, इसका रेंट नहीं लगता, 2 मोबाइल फोन और लाइफ टाइम फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति को एक सहयोगी के साथ ट्रेन या हवाई मार्ग से यात्रा करने की सुविधा भी मिलती है। 340 कमरे के भवन में रहते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। इसे ब्रिटिश वायसराय के लिए बनाया गया था। इसे बनाने में 17 साल का वक्त लगा था। 1929 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। इस भवन को एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। राष्ट्रपति भवन 320 एकड़ में फैला हुआ है। ये 4 मंजिल भवन है, इसमें 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन को बनाने में लगभग 45 लाख ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ राष्ट्रपति भवन की इमारत के अलावा मुगल गार्डन और कर्मचारियों का भी आवास है। राष्ट्रपति भवन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र मुगल गार्डन है। ये 15 एकड़ में फैला है। इसे हर साल आम लोगों के लिए भी खोला जाता है। इसमें पेड़ पौधों को लगाने का काम किया जाता है। 1928 में ये शुरू हुआ था, जो 1 साल तक चला था। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सारे अधिकार और शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, तो राष्ट्रपति पद का महत्व क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अपने अपने क्षेत्र हैं। राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और संविधान का संरक्षण करना है। कोई भी बिल उनकी मंजूरी के बिना पास नहीं होता। राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार को भेज सकते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां होती है कि वो देश में कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम कर सकते हैं। फांसी की सजा पाए गए दोषी पर भी फैसला वो ले सकते हैं। भारत के चीफ जस्टिस, राज्य के हाईकोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में असंवैधानिक तंत्र फैल गया हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत भारत या किसी राज्य या किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल कानून बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर संसद में दूसरी बार भी बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वही सलाह अगर फिर से मिलती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हैं।